नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। अक्सर देखा जाता है कि जब भी हमारे देश में चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण होने के बाद ऋषि मुनि और सांस्टिक के तरीके के अनुसार देखा जाता है कि वह भोजन करने के लिए मनाही करते हैं। वो कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के टाइम पर आपको भोजन नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है, जानिए इस वीडियो के दौरान। अक्सर देखा जाता है जब भी चंद्र ग्रहण होता है और आपके घर में खाना बना हुआ हो तो उस खाने के अंदर आपके विषैले पदार्थ चले जाते हैं जो कि जल के साथ मिक्स होकर हवा में परिवर्तित होते हुए आपके भोजन पर लग जाते हैं। यदि आप चंद्र ग्रहण के दौरान पर उस भोजन को खा लेते हैं तो उसकी वजह से आपके जीवन में और आपके पेट में हमेशा परेशानी रहती है, जिससे आप जीवन भर तक परेशान रहते हैं और आप उन बीमारियों के साथ लड़ते ही रहते हैं। चंद्र ग्रहण का दोष खाने के साथ साथ आपके ऊपर भी पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण पड़े तो उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। आपके पास जो अशुद्धियां लगी हुई है वह शुद्धियों में परिवर्तित हो जाए और आपका जीवन उससे अति आवश्यक से कार्य आपके सफल हो जाए। चंद्र ग्रहण के 10 घंटे बाद तक आप भोजन ना तो कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। कहा जाता है 10 घंटे तक चंद्र ग्रहण का प्रकोप रहता है। यदि आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण में कोई भी आवश्यक कार्य ना करें, क्योंकि वह विफल हो जाता है। यदि आप 10 घंटे के बाद का जो समय होता है वह सूतक कहा जाता है और वह आपके लिए शुभ माना जाता है, इसलिए यदि आप जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसके बाद ही करें तो बेटर रहता है। तो यह है चंद्र ग्रहण क्यों होता है और कैसे होता है, उसमें हमें खाना खाना क्यों वर्जित होता है। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।